बोलो हैप्पी दिवाली, बोलो हैप्पी दिवाली, बोलो हैप्पी दिवाली, एक बार और तेज से फ्लाइट हो जाओ। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस मॉर्निंग टाइम में हम देखिए टहलने आए थे और काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ा हुआ है, इधर देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा धुंधलापन है, ठंडी का माहौल काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली, हैप्पी 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 दिवाली। तो गाइस हम लोग कल जो डिसाइड किए थे कि हमें कुछ लोगों के साथ मिलजुल कर दीपावली को सेलिब्रेट करना है, तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। आर्यन जी आ रहे हैं पूरा मस्त। क्या आर्यन क्या लिए हो? हम किसी इंसान को प्यार करते हैं तो उतना वो प्यार नहीं दिखाता है, लेकिन अगर जो हम किसी जानवर से भी प्यार करते हैं, देखिए मैं डेमो दिखाएं आपको। ओए देखिए, ओए थोड़ा सा बस के एक बार बोलने पे आ गया, ये चीज काफी बेस्ट है। ओए 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 पूरा फील्ड आ गई भैया। ओए ओए ना ना काटना मना है, काटना मना। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं सब्जी वब्जी लाने के लिए, जो भी हमने बताया। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष जी। तो क्या क्या लेना है? सुबह बहुत ठंड लग रही है, जैकेट तो हम ले लेंगे, कोई नहीं खुशियाँ तो बांट सकते हैं यार। कितने लोग फिर कपड़े के रहते हैं ठंड में, थोड़ा तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो सुबह सुबह निकल चुके हैं हम लोग, जा रहे हैं मंडी, और मंडी से लाएंगे सब्जी, और हरी सब्जी को हम अच्छी तरीके से पकाएंगे, उसके बाद खुशियाँ भर भर के बांटेंगे। अभी हम हैं सब्जी मंडी में और देख सकते हैं कितना मंडी लगा हुआ है और हरी सब्जियां पड़ी हुई हैं, तो सब भाव पूछते हैं क्या सीन है। भैया धनिया कैसे हो? पचास रुपये किलो। गोभी हो गाइस? देख सकते हैं कि गोभी और जो भी मटर टमाटर जो भी था सब, धनिया जो भी है ले चुके हैं, पूरा भर ले लेते हैं, मिठाई और सारा जो सब्जी वब्जी लेना था ले चुके हैं और निकल रहे हैं। जो भी प्रोग्राम आगे वाला होगा बनाने वाला, अभी नेक्स्ट चल के चालू होगा, उसके बाद से जो भी होगा आपको देखने को मिलेगा। गाइस सब्जी वाला सिस्टम चालू है, आप देख सकते हैं कि गोभी और आलू वाला सिस्टम पूरा खिलाई वाला काम हो रहा है, हम और हमारे सिस्टर जी लगे हुए हैं। तो गाइस आलू भोजन वाला काम चालू हो गया है, अभी गोभी भूज दिए हैं और इसको भूजने के बाद फिर आगे वाला सिस्टम जो होगा। गाइस देख सकते हैं कि सब्जी काफ़ी स्वादिष्ट लग रही है देखने में भी, तो इसको पैक करते हैं। अरे गिरा दा। गाइस अपना पैकिंग पूरा पैक हो चुका है और इसको एक्स्ट्रा यहाँ पे सब्जी रख दे रहे हैं, किसी को देना पड़े तो दे देंगे, और इसको पैक करते हैं हमारे बॉस सर। तो अभी हम कलरफुल फुलझड़ी जलाएंगे। ये देख सकते हैं कि मेरे गांव का सभी लोग अपना अपना घर सजाए हुए हैं और यह है दिवाली का, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं और हम और आशीष भाई निकल चुके हैं दस्ताना जो भी है उसमें लेकर के अपना पैकिंग। चलते हैं देखते हैं किसका सौभाग्य होता है, किसके साथ हम मिलते हैं, कोई भी आइडिया नहीं है किसके साथ हम लोग मिलेंगे। निकल चुके हैं, कौन आएगा कौन मिलेगा ये उम्मीद नहीं है किससे हम लोग मिलने वाले हैं, बस इस रोड पर निकल के हम लोग निकल गए रास्ते पर। जो भी मिले अच्छा लगेगा मिलकर, बात करके मिल करके। ठंडा लग रहा है गाइस, ठंडा ठंडा। देख सकते हैं कि अभी लड्डू का वो हो रहा है और यहाँ पे रेट को डिस्टर्ब कम्प्रोमाइज करते हुए आखिर में लड्डू का वो हम लोग ले ही लिए हैं। कई रुपया पड़ा है जी? 140 रुपया के जी है। बहुत सारे हैं जो रेट को फाड़ फाड़ के 140 फैला दिए हैं 180 से, लेकिन जो गाइस रेट वाली कोई बात नहीं थी, बस ऐसे मजाक कर रहे थे। और खाने जाने के बाद मिठाई देना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग मिठाई ले लिए हैं।
फिलहाल अभी पहुँचते हैं गाइस, रास्ते में है, थोड़ा गाड़ी स्लो स्लो चला कर जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा ठंड भी लग रही है, मौसम थोड़ा ठंडा भी है। अभी हम ओवरब्रिज पे हैं मऊ, और देख सकते हैं पूरा नीचे से इसे पूरा सभी लोग अपना इंजॉय करते हुए, पूरा काफ़ी सजावट हुई है पूरा यहाँ से जितना दिख रहा है। एक मिनट, अरे रुको ना, अभी बोलो हैप्पी दिवाली। अरे रुको यार, दूर रहो ना, सबको दे रहे, सबको दे रहे। तो गाइस आप लोग, तुम लोग हैं जो ऐसे बैठे थे, लेकिन कितना अच्छा खुशी इन लोगों को मिला, कितना सभी लोग चेहरे पर खुशहाल है। बाय 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 बाय, बोले अपने आस में ठीक ठीक लगल है। इस हमारे आशीष भाई वहाँ पे तो जाने के बाद सभी लोग को खाना वाना हो गया है, तभी से बेचारे वैसे पड़े हुए थे, और यहाँ देखते आशीष भाई ले जा रहे हैं मीठा देने के लिए प्रसाद। तो गाइस कल शाम को दिवाली के दिन हम लोगों ने एक छोटा सा हेल्प किया एक परिवार में, वो परिवार बेचारा ऐसे बैठे थे आस लेकर के, कुछ खाने वाने के लिए दिख नहीं रहा था, तो हम लोग पहुंचे ऐसे उन लोग के अंदर जो उत्साह हुई, जो उत्तेजना देखने को मिली, जो खुशी देखने को मिली, शायद वो खुशी हम लोग बहुत ज़्यादा पटाखे फुजरिया फोड़ कर नहीं प्राप्त कर सकते। तो आप लोग भी एक छोटा सा हेल्प करिए, कभी भी कोई नहीं है कि त्यौहार पर ही करिए, कभी भी आपको लगे कि हाँ इस परिवार को या इस व्यक्ति को कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो ऐसा हेल्प करना चाहिए, क्योंकि हम एक हिंदुस्तानी हैं और इतना हमारा फर्ज बनता है, जितना सहयोग हो सके उतना आप कर सकते हैं। तो हम और आशीष भाई ने काफ़ी, हमें लगा कि हम कुछ अच्छा काम किए हैं, तो मैं वीडियो इसलिए नहीं शूट किया था कि हाँ आप लोगों को दिखाना, ये बस ये मोटिव था कि हाँ आप देखें, आप लोगों के अंदर भी ऐसी भावना जगे, तो इसलिए वीडियो को शूट किया था गाइस। तो कैसे कैसे छोटे छोटे करके हम लोगों ने किया,
उतना हम लोग का भी वो नहीं है कि हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का प्यार और दुलार की वजह से हम लोगों ने ऐसा किया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो गाइस कल हम शाम तक तो गाइस कल हम शाम को तो गाइस कल हम शाम